मैं हूँ रेहान खान गुरबो तालेबू के। जैसे फेस्टिवल ए ग्रेड है गुरबो में, उसी तरह मिर्ची एफएम नंबर वन है गुरबो में। एलिन लटका में मिर्ची एफएम को लॉक कर दिया जाए, मिर्ची एफएम इट्स हॉट। हम नकासी से सायमान है, हमारा फेस्टिवल जैसे नंबर वन है वैसे मिर्ची एफएम नंबर वन है। माय नेम इज दिनेश, हम नेंडी में काम करता है स्लीपिंग जॉइंट जिपलाइन में, और मिर्ची एफएम इज हॉट, आई लाइक इट। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ रोहितिका प्रताप। नए साइक्लोन सीजन को शुरू होने में जबकि एक सप्ताह से कम बचा है, ऐसे में लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या वे तैयार हैं। असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट चोएली दवाकी का कहना है कि साइक्लोन विंस्टन से जो तबाही हुई है उससे यही कहा जा सकता है कि भारी मात्रा में लोग तैयार नहीं थे। इस सीजन में फीजी को लगभग 3 साइक्लोन से खतरे हैं। मौसम दफ्तर के डायरेक्टर रविंद कुमार का कहना है कि लोगों को अभी से तैयार होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर में वृद्धि की वजह से साइक्लोन और भी ताकतवर होने के खतरे ज्यादा हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट दफ्तर का कहना है कि वे वेदर पैटर्न पर नजर रखे हुए हैं। आज नेशनल डिजास्टर अवेयरनेस वीक को लॉन्च किया गया है और इस दौरान लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। नेशनल फेडरेशन पार्टी का कहना है कि वे कॉलिशन पार्टी को स्थापित नहीं करेंगे। उन्होंने ये बातें उन रिपोर्ट्स के बाद कही है कि एनएफपी, फीजी लेबर पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी के साथ अगले आम चुनाव के लिए संभावित कॉलिशन को स्थापित करेगा। एनएफपी लीडर प्रोफेसर विमान प्रसाद ने बताया कि वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉलिशन स्थापित नहीं करेंगे। प्रसाद का कहना है कि वर्तमान में वे इलेक्ट्रल डिक्री में बदलाव लाने पर गौर कर रहे हैं और बगैर किसी कॉलिशन के वे अन्य पार्टीज के साथ उन विषयों पर समाधान ढूंढने के लिए तैयार हैं जो फीजी को असर करते हैं। इस सिलसिले में सोलर पालीडा से त्रिवेणी रंबुका और एफएलपी के महेंद्र चौधरी से टिप्पणी लेने की कोशिश नाकाम रही। दिवाली से पहले गन्ने के किसानों के लिए खुशखबरी है। शुगर इंडस्ट्री ट्राइब्यूनल ने पिछले सीजन के लिए फिफ्थ और फाइनल केन पेमेंट की घोषणा की है। इस पेमेंट को 70 सेंट्स से बढ़ाकर $2.10 पर टन कर दिया गया है। शुगर ग्रोअर्स काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदरेश शेट्टी का कहना है कि इस वृद्धि की स्वीकृति सरकार ने दी है। किसानों को शुक्रवार तक उनका पेमेंट्स मिल जाएगा। पिछले सीजन के लिए कुल पेमेंट्स अब $78.66 पर टन हो गया है। शेट्टी ने कहा कि इस पेमेंट में से कोई डिडक्शन नहीं किए जाएंगे। और खेलकूद में इंग्लैंड रग्बी सेवंस के जाने माने भूतपूर्व खिलाड़ी बेन गॉलिंस ने फिजी सेवंस ओलंपिक विनिंग साइड को कोच करने के लिए अर्जी लगाई है। आज सुबह एबीसी के पैसिफिक बीट प्रोग्राम में बातें करते हुए गॉलिंस ने कहा कि वे दुनिया के सबसे बेस्ट टीम को कोच करना चाहते हैं। गॉलिंस, जो वर्ल्ड सेवंस सीरीज के ऑल टाइम टॉप पॉइंट स्कोरर थे, ने कहा कि नए सीजन या नई सीरीज में वे फिजी को कोच करना चाहते हैं। 36 वर्षीय गॉलिंस के पास न्यूजीलैंड को कोच करने का चुनाव था, लेकिन उनका कहना है कि इस कार्य के लिए एक कीवी ही सही है। अगर कॉलिंग्स को चुना गया तब वे फीजी के लिए सही फिट रहेंगे क्योंकि उसे बेन रायन ने कोच किया है जब वे इंग्लैंड के कोच थे। कॉलिंग्स ने सप्तांत फीजियन टीम दावे तक की ओर से ऑस्ट्रेलिया में एनुअल सेंट्रल कोस्ट टूर्नामेंट में भाग लिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे समाचारों के लिए आप रेडियो फीजी 2 और मिर्ची एफएम को सुन सकते हैं। शुभरात्रि। रहता है रेडियो फिजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है। हमारे कोरबंगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज़्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी 2 से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय बनीबाऊ के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।